तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक पृथ्वीवासी जॉन कार्टर की कहानी, जो कि पृथ्वी पर सोने की गुफाओं की तलाश में होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी इसी तलाश में उसके साथ एक हादसा हो जाता है और वो पृथ्वी से बहुत दूर मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है, जहां वो अजीब से दिखने वाले लोगों के बीच फंस जाता है। पर अब देखना यह है कि जॉन कार्टर के साथ वहां पर क्या क्या होता है और क्या जॉन कार्टर फिर कभी पृथ्वी पर लौट पाएगा या हमेशा के लिए वहीं पर रह जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है मंगल ग्रह से, जहां पर हवा पानी के साथ साथ मनुष्य जीवन भी मौजूद है और इसीलिए यहां हीलियम और जोड़ांगा शहर के अलावा थार्क कबीले के लोग भी बसे हुए हैं। यहाँ ये तीनों ही चाहते हैं कि ये दूसरे शहर पर कब्जा कर ले और बारसूम पर सिर्फ उनकी अकेले की हुकूमत कायम रहे। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक एक बड़ा तूफान आ जाता है, जिसमें जोड़ांगा का राजा सप्तान अपनी सेना के साथ बुरी तरह से फंस जाता है और इस तूफान से बचने के चक्कर में सप्तान और उसकी सेना हीलियम की ओर चले जाते हैं। तब जोड़ांगा की सेना को अपनी ओर आता देख हीलियम जोड़ांगा पर हमला कर देता है। इस लड़ाई में जोड़ांगा का राजा हारने वाला होता है कि तभी थर्न्स, जिन्हें ईसस देवी के भक्त कहा जाता है, वो वहाँ कर सप्तान को बचा लेते हैं और उसे एक शक्तिशाली शस्त्र देते हुए कहते हैं कि अगर तुम हमारे रास्ते पर चलोगे तो बारसूम पर राज करोगे। अब यहाँ से यह कहानी जाती है 1881 में न्यूयॉर्क शहर की ओर, जहाँ हम जॉन कार्टर को शहर की सड़कों पर किसी से छुपकर भागते हुए देखते हैं। दरअसल एक आदमी कार्टर का पीछा कर रहा होता है, पर कार्टर किसी न किसी तरह से उस आदमी को चकमा देकर एक मैसेज सेंटर पर पहुंच जाता है, जहां वो एक कर्मचारी से अपना एक मैसेज भेजने के लिए कहता है, जिस पर लिखा होता है, डियर नेड, मुझसे तुरंत आकर मिलो, जॉन कार्टर। अगले ही पल जब एडगर ब्रोस को कार्टर का वो मैसेज मिल जाता है, तो उसी पल एडगर ब्रोस न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हो जाता है। न्यूयॉर्क शहर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही ब्रोस को थॉमसन नाम का एक आदमी मिलता है। थॉमसन ब्रोस से मिलने के बाद बताता है कि उसके मामा कार्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे और इसके बाद एडगर को कार्टर की हवेली तक ले जाता है। यहां एडगर को एक और आदमी से मिलवाया जाता है, जिसका नाम नोहल डोल्टन होता है। दरअसल डोल्टन कार्टर का वकील है और डोल्टन ब्रोस को कार्टर की हवेली से उस जगह तक ले जाता है जहां पर कार्टर की खोज के कई सारे अवशेष रखे हुए थे। यहां डोल्टन ब्रोस को बता रहा होता है कि कार्टर को किसी खास चीज की तलाश थी, पर इसी दौरान बरोस की नजर वहां रखी कार्टर की एक तस्वीर पर पड़ती है और उस तस्वीर को देखने के बाद बरोस उसके मामा जॉन कार्टर को श्रद्धांजलि देने की इच्छा जाहिर करता है, जिसके बाद डोल्टन बरोस को उस मकबरे तक ले जाता है जहां कार्टर की बॉडी को रखा गया है। यहां डोल्टन बरोस को बताता है कि इस मकबरे की चाबी किसी के पास नहीं है, इसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है। दरअसल तुम्हारे मामा चाहते थे कि उनके शरीर को एक खुले ताबूत में रखा जाए और अंतिम संस्कार न किया जाए। इसके बाद डोल्टन कार्टर की वसीयत के सारे कागजात बरोस के हवाले कर देता है और कार्टर की एक निजी डायरी सौंपते हुए कहता है कि सिर्फ तुम इस डायरी को पढ़ने के हकदार हो सकता है तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इस डायरी में मिल जाए। और इतना कहकर डोल्टन वहां से चला जाता है, पर बरोस के दिमाग में अब कई सारे सवाल घूमने लगते हैं और उन सवालों के जवाब जानने के लिए एडगर तुरंत इस डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। और यहां से ये कहानी जाती है 13 साल पहले फ्लैशबैक में, और तब 1868 में एरिजोना का इलाका दिखाया जाता है, जहां कार्टर एक शॉप पर अपने खाने पीने का सामान लेने जाता है। लेकिन कार्टर का उधार काफी ज्यादा बकाया होने की वजह से शॉपकीपर उसे सामान देने से मना कर देता है, पर कार्टर जिद्दी किस्म का होता है, वो बिना सामान के यहाँ से जाने वाला नहीं था और इसलिए वो शॉपकीपर के सिर पर बंदूक तान देता है और शॉपकीपर को सोने का एक टुकड़ा देकर सारी उधारी चुकाते हुए सामान पैक करने के लिए कहता है। पर तभी वहाँ सेना के कुछ लोग आ जाते हैं और कार्टर को पकड़कर बंधक बना लेते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने कार्टर को बंदी बनाया है वे अमेरिका के उत्तर वर्जीनिया सेना की 7वीं टुकड़ी के लोग हैं और कार्टर भी कभी वर्जीनिया सेना की पहली घुड़सवार टुकड़ी का कैप्टन हुआ करता था। तब कार्टर इस टुकड़ी में रहते हुए अपनी बहादुरी के दम पर 6 बार मेडल से भी सम्मानित हो चुका था। लेकिन फिलहाल इस समय वर्जीनिया पर अपाचेज कबीले के लोगों का आतंक था और अपाचेज से अपने लोगों को बचाने के लिए सेना को एक बार फिर से कार्टर जैसे बहादुर सैनिक की मदद की जरूरत थी और इसलिए 7वीं टुकड़ी का कैप्टन कर्नल पावेल कार्टर को फिर से सेना में शामिल होकर वर्जीनिया के लिए लड़ने के लिए कहता है, पर कार्टर लड़ने से साफ इनकार कर देता है। दरअसल कार्टर को सोने की गुफा की तलाश थी और इसलिए एक दिन कार्टर मौका पाकर एक सैनिक पर हमला कर घोड़ा लेकर वहां से फरार हो जाता है। पर जैसे ही इस बात की खबर कर्नल पावेल को मिलती है तो कर्नल पावेल भी अपनी घुड़सवार टुकड़ी के साथ कार्टर के पीछे लग जाता है, पर कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद ही सामने की ओर से डमिंगो कबीले के लोग आ जाते हैं। यहाँ कार्टर उन लोगों से उनकी भाषा में बात करने लगता है, लेकिन इसी बीच पावेल की टुकड़ी से एक सैनिक उस कबीले के आदमी पर गोली चला देता है, जिसके बाद डमिंगो कबीले के लोगों और पावेल की टुकड़ी में गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान कर्नल पावेल को भी एक गोली लग जाती है और यह देखकर कार्टर पावेल को बचाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन अब डमिंगो कबीले के लोग कार्टर के पीछे लग जाते हैं और कार्टर इन लोगों से बचते हुए पावेल को साथ लेकर वहीं पास एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है, लेकिन कबीले के लोग भी उनके पीछे पीछे पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। तब कार्टर और पावेल उन लोगों पर गोली चलाने वाले ही होते हैं कि तभी अचानक वो सभी लोग ऊपर की ओर देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। तब कार्टर उन्हें देखने पहाड़ी पर आगे की ओर जाता है, लेकिन उनमें से एक भी आदमी दूर दूर तक नजर नहीं आता। तब हैरान होकर कार्टर भी पीछे मुड़कर ऊपर की ओर पहाड़ी पर देखता है तो उसे वहां गुफा के द्वार पर एक स्पाइडर का चित्र बना हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद कार्टर उस गुफा में अंदर की ओर
और चला जाता है। तब उसे वहाँ सोना चमकता हुआ दिखाई देता है और यह देखकर कार्टर काफी ज्यादा खुश होता है। दरअसल ये वही गुफा होती है जिसके कार्टर को कई महीनों से तलाश थी, लेकिन तभी वहाँ पर थर्न आ जाता है और पीछे से कार्टर के ऊपर एक खंजर से वार करता है। पर इससे पहले कि खंजर कार्टर के लगता, पावेल कार्टर को आगाह कर देता है और कार्टर उस वार से बच जाता है। यहाँ कार्टर और थर्न दोनों में लड़ाई होने लगती है और इस लड़ाई के दौरान कार्टर थर्न को गोली मार देता है, जिसके बाद थर्न तड़पते हुए अपने पास मौजूद यंत्र को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो यहाँ से बारसुम पहुँच सके। पर अनजाने में कार्टर उस यंत्र को अपने हाथ में ले लेता है और वो शब्द जो थर्न बोल रहा था उन शब्दों को कार्टर दोहरा देता है और अब कार्टर बारसुम यानी मंगल ग्रह पर पहुँच जाता है। और इस बात से अनजान जब कार्टर की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक सुनसान जगह पर पड़ा हुआ पाता है जहाँ दूर दूर तक उसे सिर्फ वीरान रेगिस्तान नजर आता है। इसके बाद कार्टर जब जैसे ही अपने कदम आगे की ओर बढ़ाता है तो वो हवा में झटके से उड़कर गिर जाता है। दरअसल यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण होने और कार्टर का शरीर हल्का होने की वजह से ऐसा होता है, पर कार्टर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त वो पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर है। और जब भी वो उठकर चलने की कोशिश करता है तो हर बार वो उड़कर गिरता रहता है। तब गुस्से में आकर कार्टर पास में पड़ा एक पत्थर उठाकर सामने की ओर फेंकता है तो वो देखता है कि पत्थर का टुकड़ा तो काफी दूर चला गया है। तब कार्टर के दिमाग में आइडिया आता है जिसके बाद कार्टर छलांग लगाना शुरू कर देता है और कई घंटों की मेहनत के बाद कार्टर छलांग लगाता हुआ एक पहाड़ी तक पहुंच जाता है। अब कार्टर आसानी से इस जगह पर चलने फिरने लग जाता है। यहाँ पहुंचने पर कार्टर को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और जब कार्टर इस जगह से मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे यहाँ एक तहखाने में कई सारे अंडे दिखाई देते हैं और उन अंडों में से एक एक कर कई जानवर निकल रहे होते हैं। तब कार्टर इन अजीब से जानवरों को देखकर सोचने लगता है कि वो कौन सी जगह पर आ गया है कि तभी उसे सामने की ओर से विशालकाय जानवरों पर सवार कुछ लोगों का झुंड उसकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। दरअसल ये सभी लोग कार्टर की ओर बढ़ रहे होते हैं। दरअसल जो लोग कार्टर की ओर बढ़ रहे होते हैं वे ग्रीन मार्टियंस थार्क होते हैं। तभी अचानक दूसरी ओर से थार्क का सरदार टार टार्कस अपना भाला फेंककर कार्टर पर हमला करता है, पर कार्टर एक ऊंची छलांग लगाकर उस हमले से बच जाता है, जिसके बाद बाकी सभी थार्क कार्टर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। पर कार्टर का यह कारनामा देखकर टार्कस अपने लोगों को फायरिंग करने से रोक लेता है और उन्हें यहां से दूसरी ओर जाने के लिए कहता है। जब टार्कस के सभी लोग दूसरी ओर चले जाते हैं तो टार्कस अपने हथियार डालकर कार्टर से कहता है कि वह भागने की कोशिश ना करे। वहीं कार्टर अपने आप को चारों ओर से घिरा हुआ पाकर टार्कस के सामने सरेंडर कर देता है। दरअसल कार्टर की एक चाल होती है। इसके बाद टार्कस कार्टर को अपना परिचय देता है, जिसके जवाब में कार्टर भी टार्कस को अपने बारे में बताता है कि वह वर्जीनिया से है। पर टार्कस कार्टर को छलांग लगाते हुए फिर से देखना चाहता था और इसलिए वह कार्टर को छलांग लगाने के लिए कहता है और इसी का फायदा उठाकर कार्टर छलांग लगाकर टार्कस के हथियारों के पास पहुंच जाता है और हथियार उठाकर टार्कस पर हमला कर देता है। पर यह देखकर टार्कस के कबीले का थार्क तलहाजुस कार्टर पर गोली चला देता है, पर इससे पहले कि वो कार्टर पर और गोलियां चलाता टार्कस कार्टर को बचा लेता है। अब यहाँ से सीन डाइवर्ट होता है और हमें हीलियम शहर दिखाया जाता है जो अब खत्म होने की कगार पर है। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी डेजा अपने पिता को अपनी खोज के बारे में बताती है। वह अपनी बनाई मशीन एक्टिवेट कर देती है जिसमें से नीली रोशनी निकलने लगती है और इस नीली रोशनी को देखकर उसके पिता के साथ साथ उनका सेनापति कैंटोस और बाकी सभी लोग भी उस मशीन के पास आ जाते हैं। तब डेजा अपने पिता से कहती है कि सप्तान ने नौवीं किरण जिसमें परमाणु शक्ति निकलती है उसकी खोज हमसे पहले कर ली है, लेकिन सोचो अगर वो शक्ति हमें मिल जाए तो हम हीलियम में चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान वहाँ हीलियम वासी का रूप धारण किए हुए एक थर्न मौका पाकर उस मशीन को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और मशीन में हुए धमाके को देखकर डेजा के पिता उस पर नाराज होते हैं। वो डेजा से अकेले में बात करते हैं और बताते हैं कि सप्तान ने एक शर्त रखी है, अगर तुम सप्तान से शादी कर उसकी रानी बन जाती हो तो सप्तान हीलियम को बख्श देगा। पर यह बात सुनकर डेजा अपने पिता से नाराज हो जाती है, लेकिन उसके पिता भी अपना आखिरी फैसला सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फिर से सीन डाइवर्ट होता है और हमें फिर से कार्टर को दिखाया जाता है जिसे अब थार्क अपने शहर में ले आते हैं। यहाँ लेडी थार्क जिसका नाम सोला होता है उसे कार्टर के पैर और हाथ पर बंधी रस्सियों को काटने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद वो जैसे ही कार्टर के पैर और हाथ पर बंधी रस्सियों को काटती है तब मौका पाकर कार्टर उस यंत्र को लेने थार्क पर छलांग लगा देता है। हालांकि कार्टर को फिर से पकड़ लिया जाता है, पर कार्टर की इस गुस्ताखी के बाद तलहाजुस उसे मार देना चाहता था, लेकिन एक बार फिर टार्कस उसे बचा लेता है। यहाँ टार्कस अपने लोगों को बताता है कि उसने एक कीमती जानवर पकड़ा है और इसके बाद अपने लोगों के सामने कार्टर को छलांग लगाने के लिए कहता है, पर कार्टर उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद टार्कस गुस्से में आकर कार्टर को पकड़ कर कहता है कि कल उसे सबके सामने छलांग लगाकर दिखाना होगा और सोला को उसे चेन से बांधने के लिए कहता है, जिसके बाद सोला और दूसरे थार्क्स कार्टर को ले जाकर उसकी शेविंग करते हैं और उसे नहला धोला कर जानवरों के बीच चेन से बांध दिया जाता है। पर यहाँ सोला कार्टर की मदद करती है, वो उसे पानी पिलाती है और वहाँ से चली जाती है। रात के समय कार्टर अपने हाथ पर बंधी चेन तोड़कर भागने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर कार्टर की निगरानी के लिए एक बड़े से जानवर को रखा जाता है जिसका नाम वोला होता है। कार्टर जब भी छलांग लगाकर भागता है तो हर बार वोला कार्टर तक उससे पहले पहुँच जाता है और यह देखकर कार्टर हैरान रह जाता है। पर आखिर में वोला कार्टर का पीछा करता हुआ थार्क के बीच पहुँच जाता है, पर थार्क अपने बीच वोला
उला को देखकर उसे मारने लगते हैं, जिसके बाद उला को बचाने के लिए कार्टर थार्क के बीच कूद जाता है और उसे बचा लेता है। अब अगली सुबह कार्टर और उसकी मदद करने के जुर्म में सोला को कबीले के बीचों बीच जंजीर से बांध दिया जाता है और सोला के शरीर पर गर्म लोहा दागा जाता है। पर अब सोला के शरीर पर नए घाव की कोई जगह बची ही नहीं थी, इसीलिए टार्कस उसे आखिरी चेतावनी देते हुए छोड़ देता है कि अगर उसने अब कोई गलती की तो वो उसकी आखिरी गलती होगी। इसके बाद टार्कस सभी के सामने कार्टर को फिर से छलांग लगाकर दिखाने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक थार्क टार्कस को खबर देता है कि दुश्मन सेना उनकी ओर बढ़ रही है। यह सुनते ही सभी थार्क्स किले में छुप जाते हैं। यहाँ टार्कस कार्टर को बताता है कि लाल झंडे वाले जोडांगा और नीले झंडे वाले हीलियम वाले हैं, इनमें से जोडांगा ही ये जंग जीतेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जोडांगा और हीलियम के सारे लोग मर जाए और बारसुम पर सिर्फ थार्क का ही राज हो। कुछ ही देर में जोडांगा और हीलियम के बीच जंग शुरू हो जाती है। तब सप्तान हीलियम के लोगों को मारने लगता है और जब वो राजकुमारी डेजा को ढूंढने जाता है तो डेजा यान लेकर वहाँ से भागने लगती है, पर सप्तान अपने यान से डेजा के यान को टक्कर मारकर तोड़ देता है। टक्कर लगने की वजह से डेजा यान से गिरकर लोहे के एक एंगल से लटक जाती है। यहाँ कार्टर ने पहली बार इंसान को देखा था और इसलिए कार्टर उसे बचाने के लिए छलांग लगाता हुआ इसकी ओर पहुँच जाता है और डेजा को जमीन पर गिरने से बचा लेता है। इसके बाद कार्टर सप्तान के लोगों को मारता है और उसके यान को भी तबाह कर देता है। यह देखकर सप्तान कार्टर पर हमला करता है। अब इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। इस दौरान सप्तान कार्टर पर हावी हो जाता है, लेकिन तभी थार्क सप्तान पर गोलीबारी कर कार्टर को बचा लेते हैं। अपने ऊपर हमला होता देख सप्तान अपने यान लेकर वहाँ से भाग जाता है और इस जीत के बाद टार्कस अपना बेल्ट कार्टर को पहनाते हुए ऐलान करता है कि कार्टर अब से उनके लिए लड़ेगा और आज से कार्टर का नाम होगा डॉटर सोजत। पर कार्टर उनके लिए लड़ने से मना कर देता है, जिसके बाद टार्कस कार्टर से कहता है कि अगर वो उनके लिए नहीं लड़ेगा तो वो डेजा को मार देंगे। पर कार्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए वो उनके लिए लड़ने के लिए हाँ कर देता है। और जब कबीले के सभी लोग चले जाते हैं तब डेजा कार्टर को बताती है कि वह मंगल ग्रह पर है। तब डेजा की बात सुनकर कार्टर हैरान रह जाता है और जब डेजा उससे पूछती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा तो कार्टर उस यंत्र की ओर इशारा करता है जो एक थार्क के गले में होता है और डेजा को बताता है कि वो उस यंत्र की वजह से ही यहाँ तक आया है। तब उस यंत्र को देखकर डेजा उसे एक थर्न समझने लगती है और कार्टर को थार्क के एक पुराने मंदिर में ले जाती है जहाँ इसिस देवी और थर्न के चित्र बने हुए होते हैं। यहाँ उस यंत्र का चित्र भी बना होता है जिसकी वजह से कार्टर यहाँ तक पहुँचा था। तब वहाँ लिखे शब्दों को पढ़कर डेजा कार्टर को बताती है कि अगर जो कोई भी अमृतु पाना चाहता है तो उस नदी को पार करके मृत्यु द्वार से गुजरकर देवी का आशीर्वाद लेना होगा, क्योंकि उनके चरणों में ही अमृतु मिलेगा। इतना पढ़ने के बाद डेजा कार्टर के सामने एक शर्त रखती है कि मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकती हूँ, तुम्हें सारे सवालों के जवाब वहीं पर मिलेंगे और पृथ्वी पर लौटने का तरीका भी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। जिसके बाद कार्टर डेजा की बात मान लेता है और ये दोनों यहाँ से निकलने वाले ही होते हैं कि तभी थार्क्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सोला के साथ कार्टर और डेजा को भी पकड़कर टार्कस के पास ले जाते हैं। यहाँ एक लेडी थार्क टार्कस को बताती है कि हमने इन्हें इसस देवी के मंदिर में पकड़ा है और वहाँ तक ले जाने में सोला ने इनकी मदद की है, जिसके बाद टार्कस कार्टर को हवा में उठा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता था कि एक और गलती सोला के लिए जानलेवा हो सकती है, अब तुम्हारी वजह से सोला को मरना होगा। पर सोला टार्कस की ही बेटी थी, इसलिए टार्कस सोला को नहीं मारना चाहता था। तब टार्कस कार्टर को मारने का नाटक करता है और अपने लोगों को दिखाता है कि वह उसे मारने जा रहा है, पर टेंट में ले जाकर टार्कस अपने पास रखे यंत्र जिसकी मदद से कार्टर यहाँ तक पहुँचा था उसे कार्टर को देकर वहाँ से भागने में उसकी मदद करता है। पर कुछ देर तक जब टार्कस टेंट से बाहर नहीं आता तब तलहाज उसको उस पर शक होता है और तब वो अंदर जाकर देखता है तो सभी लोग वहाँ से फरार हो चुके होते हैं। वही दूसरी ओर अब कार्टर और डेजा के साथ सोला और वूला भी उस सफर की ओर निकल पड़ते हैं। पर कई घंटों का सफर तय करने के बाद सोला को डेजा पर शक होता है कि शायद डेजा उन्हें गलत दिशा में ले जा रही है। यह जानकारी सोला कार्टर को देती है, जिसके बाद कार्टर डेजा को रोक लेता है और तब सोला कहती है कि तुम हमें हीलियम की ओर ले जा रही हो क्योंकि इन दोनों चंद्रमाओं को हमारे पीछे होना चाहिए था। जिसके बाद कार्टर डेजा को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। तब डेजा उन्हें बताती है कि वह हीलियम की राजकुमारी है और हीलियम से भागकर इसलिए आई थी क्योंकि सप्तान उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। आगे डेजा बताती है कि सिस के द्वार के बारे में जो उसने बताया था ऐसा कोई द्वार है ही नहीं। पर कार्टर को पूरा यकीन था कि द्वार के बारे में जो कुछ गुफा में लिखा था वह सच है। तब कार्टर उस यंत्र को दिखाते हुए कहता है कि मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा, जिसके बाद वो चारों उस नदी की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं और जैसे ही वो उस नदी तक पहुंचते हैं उनके यहाँ पहुंचने की खबर थर्न को भी मिल जाती है। तब नदी के किनारे वूला को छोड़कर कार्टर डेजा और सोला तीनों नाव से आगे बढ़ते हैं, जहाँ सामने एक विचित्र बनावट को देखकर कार्टर डेजा को उठाकर वहाँ ऊपर की ओर ले जाता है। यहाँ इन्हें एक गुफा दिखाई देती है और जब ये दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं तो वहाँ नीली रोशनी होने लगती है। तब आगे कुछ दूरी पर चलकर डेजा वो यंत्र उस जगह पर रख देती है, जिसके बाद वहाँ मकड़ी के आकार में 9 किरणें निकलती है और यह सारा नजारा देखकर उसे यकीन हो जाता है कि कार्टर वाकई पृथ्वी से आया है। इसके बाद डेजा कार्टर से कहती है कि वह उसे सोने की गुफा तक पहुँचने में मदद करेगी, पर तभी सोला उन्हें आवाज लगाती है और जब कार्टर और डेजा दोनों बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि थार्क्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। तब कार्टर डेजा को गोद में उठाकर नाव पर कूद जाता है और यहाँ से निकलकर अब ये चारों
भागने लगते हैं। पर थार्क्स को उनके पीछे आता देख कार्टर को लगता है कि वह इनसे बचकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। तब कार्टर डेजा और सोला की जान बचाने के लिए रास्ते में रुकने का फैसला करता है और वूला भी कार्टर के साथ रुक जाता है। इसके बाद कार्टर और वूला दोनों मिलकर थार्क का सामना करते हैं, पर एक वक्त ऐसा आता है कि थार्क्स कार्टर को मारने वाले ही होते हैं कि तभी डेजा के पिता वहां आकर थार्क्स पर हमला कर कार्टर को बचा लेते हैं। तब डेजा बेहोश पड़े कार्टर के बारे में अपने पिता को बताती है कि उसने उसकी जान बचाई है और वो जारसून से है। लेकिन तभी सप्तान को उसके पिता के यान से बाहर आता देख डेजा उस पर गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद सप्तान उसे विश्वास दिलाता है कि अब वो उनके साथ है। अब यहाँ से ये सभी लोग यान से अपनी शहर लौट जाते हैं, पर कार्टर को जोडांगा में रखा जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को कई सैनिकों से घिरा हुआ पाता है। तभी वहाँ केंटोस आता है जो उसे बताता है कि वह जोडांगा में है और वह उसे यहाँ से हीलियम ले जाने आया है। पर कार्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अगले ही पल केंटोस कार्टर के हाथों बंदी बनने का नाटक करता है और कार्टर को सप्तान के सैनिकों से बचाकर किले की ऊपरी मीनार तक ले जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद केंटोस कार्टर को बताता है कि राजकुमारी डेजा ने मुझे तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए भेजा है। इसके बाद जब सारी बात कार्टर को समझ आ जाती है तब सप्तान के सैनिकों को अपनी ओर आता देख कार्टर केंटोस को लेकर सीधे हीलियम की ओर एक लंबी छलांग लगा देता है और उस कमरे तक पहुंच जाता है जहां पर राजकुमारी डेजा होती है। यहां अपने सामने कार्टर को पाकर डेजा उससे अकेले में बात करने की इच्छा जाहिर करती है। इसके बाद डेजा कार्टर को बताती है कि उसने यंत्र के बारे में सब कुछ जान लिया है और अगले ही पल वो कार्टर के हाथ में उस यंत्र को रखकर कार्टर को कुछ शब्द दोहराने के लिए कहती है ताकि वह फिर से पृथ्वी पर पहुंच जाए। कार्टर डेजा के कहे अनुसार शब्द दोहराने लगता है और जब वो आखिरी शब्द दोहराने लगता है कि तभी सप्तान अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। सप्तान को वहाँ देख डेजा चौंक जाती है और जब वो अपने पीछे देखती है तो वहाँ से कार्टर भी गायब हो चुका होता है। तब डेजा को लगता है कि कार्टर अब पृथ्वी पर लौट चुका है। इसके बाद डेजा सप्तान से कहती है कि उन्हें शादी में देर नहीं करनी चाहिए और तब सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। पर एक महिला का रूप धारण किए मतई शेंग को शक होता है कि कार्टर अभी भी यहीं पर है और जब कार्टर यहाँ से बाहर निकलने लगता है तब मतई शेंग अपनी शक्तियों का प्रयोग कर कार्टर को बंदी बना लेता है और उसे कंट्रोल कर अपने साथ ले जाने लगता है। कार्टर को ले जाते वक्त मतई शेंग कई बार अपने रूप बदलता है। इस दौरान शहर के बीच सप्तान और डेजा को सवारी करते वक्त मतई शेंग कार्टर को बताता है कि डेजा ने नवीकरण की खोज कर ली थी, लेकिन बदकिस्मती से शादी की पहली रात दो चंद्रमाओं के मिलन के साथ ही डेजा और जो कोई भी इस रहस्य को जानता है उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद मतई शेंग कार्टर को हीलियम में उस जगह ले जाता है जहां कई सारे यान होते हैं और कार्टर को एक यान में बिठाकर जोडांगा के लिए निकलने वाला ही होता है कि तभी वोला मतई शेंग पर अटैक कर उस यंत्र को डीएक्टिवेट कर देता है जिससे कि कार्टर उसके कंट्रोल में होता है। इसके बाद कार्टर मतई शेंग की कैद से आजाद हो जाता है और मतई शेंग का यंत्र छीनकर वहां से एक यान लेकर फरार हो जाता है। पर अब कार्टर के पीछे हीलियम की सारी सेना लग जाती है। वो उसे किसी भी तरह से पकड़ना चाहते थे लेकिन किसी ना किसी तरह से कार्टर वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है और थार्कस की सरहद में अपने यान को लैंडिंग करा देता है जहां सोला और वूला पहले से मौजूद होते हैं। पर कार्टर फिर से यान को स्टार्ट कर सोला से कहता है कि वह डेजा को बचाने जा रहा है, जिसके बाद ये तीनों यान में बैठकर उड़ान भरते हैं। पर यान पर काफी ज्यादा वजन होने की वजह से यान उड़ता हुआ थार्क के कबीले के पास गिर जाता है। तब यहाँ मौजूद थार्स इन तीनों को पकड़ लेते हैं और थार्स के राजा के पास ले जाते हैं जहाँ अब थार्स की गद्दी पर तलहाजुस होता है और अब कार्टर को भी बंदी बनाकर एक तहखाने में कैद कर दिया जाता है। लेकिन कार्टर यहाँ पहले से मौजूद टार्कस को देखकर चौंक जाता है। यहाँ अब टार्कस पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। तब टार्कस कार्टर को बताता है कि तुम्हारी मदद करने के जुर्म में तलहाजुस ने मेरा सारा राजपाट छीन लिया और मुझे बंदी बना लिया, पर शुक्र है कि सोला तो अब स्वर्ग में उसकी माँ के पास सुखी होगी। लेकिन जब कार्टर उसे बताता है कि सोला को भी यहाँ पर बंदी बना लिया गया है तो टार्कस गुस्से में आकर कार्टर का गला दबाकर उससे मारने लगता है। पर इससे पहले कि वो कार्टर को मार पाता बहुत ज्यादा कमजोर होने की वजह से वह बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद कार्टर और टार्कस को एक मैदान में ले जाया जाता है जहां तलहाजुस सभी थार्क्स के सामने ऐलान करता है कि टार्कस ने एक पृथ्वीवासी की मदद की है और इसलिए इन दोनों को सजा दी जाएगी। इसके बाद कार्टर को एक जंजीर से बांध दिया जाता है और यहाँ पर एक सफेद खूंखार गोरिल्ला छोड़ दिया जाता है। लेकिन काफी देर तक जब गोरिल्ला इन दोनों को नहीं मार पाता तो इनके बीच एक और गोरिल्ला को छोड़ा जाता है और जब उनमें से एक गोरिल्ला टार्कस को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो यह देखकर अपने पिता की मदद करने के लिए सोला भी मैदान में कूद जाती है और अपने पिता से कहती है कि मेरी रगों में भी आपका ही खून है। वहीं दूसरा गोरिल्ला कार्टर को उठा उठाकर फेंकने लगता है। लेकिन इस दौरान गोरिल्ला कार्टर से बंधी जंजीर से खुद ही बंध जाता है और जब वो इस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है तो जंजीर के साथ पत्थर का एक हिस्सा भी टूट जाता है। तब कार्टर जंजीर को घुमाकर पत्थर के उस हिस्से से गोरिल्ला के मुंह पर वार करता है, जिसके बाद गोरिल्ला एक ही वार में चित हो जाता है। लेकिन इस दौरान ही दूसरा गोरिल्ला सोला और टार्कस को मारने उनकी ओर लपकता है। यह देखकर कार्टर भी उन्हें बचाने के लिए उस ओर छलांग लगा देता है। वहीं सोला कार्टर की ओर एक तलवार फेंकती है जिसे कार्टर कैच कर लेता है, पर तभी गोरिल्ला इन तीनों पर गिर जाता है। यहाँ सभी को लगता है कि शायद
आए तीनों मारे जा चुके हैं। लेकिन तभी कुछ देर में कार्टर गोरिल्ला को चीरता हुआ उसकी बॉडी से बाहर निकलता है और यह नजारा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब सभी लोग कार्टर की जय जयकार करने लगते हैं और इसके बाद ही कार्टर तलहाजुस को भी चैलेंज करता है कि वह उससे आकर लड़े। पर तलहाजुस यह बहाना करते हुए कार्टर से लड़ने के लिए मना करता है कि वह एक तार्क नहीं है। जिसके बाद टार्कस कहता है कि यह डॉटर सोजत है और एक बार फिर से कार्टर तलहाजुस को ललकारता है। यहाँ मौजूद सभी तार्क डॉटर सोजत के नारे लगाने लगते हैं। तब जोश में आकर जैसे ही तलहाजुस कार्टर की ओर छलांग लगाता है, वैसे ही कार्टर भी तलहाजुस की ओर छलांग लगाता है और एक ही वार में तलहाजुस का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कार्टर सभी को बताता है कि आज रात जोडंगा हीलियम को तबाह करने वाला है। अगर हीलियम खत्म तो समझो बारसूम भी खत्म, इसलिए हम सबको मिलकर जोडंगा का सामना करना होगा। यह सुनकर तार्क्स की सारी सेना जोडंगा की ओर निकल पड़ती है। पर जोडंगा पहुंचने पर उन्हें एक सैनिक से पता चलता है कि जोडंगा की सारी सेना हीलियम की सरहद पर तैनात है, क्योंकि सप्तान हीलियम में डेजा से शादी करने के बाद हीलियम को खत्म करने वाला है। तब यह सुनकर कार्टर यान से हीलियम की ओर निकल पड़ता है। एक तरफ जहाँ सप्तान और डेजा की शादी की रस्में शुरू हो जाती है, तो वहीं दूसरी ओर कार्टर हीलियम की सरहद में प्रवेश कर जाता है। और जब सप्तान और डेजा शादी की आखिरी रस्म पूरी कर पति पत्नी बनने वाले होते हैं कि तभी कार्टर वहां पहुंचकर सभी को सप्तान की सच्चाई बता देता है। जिसके बाद जोडंगा और हीलियम की सेनाओं में युद्ध शुरू हो जाता है और इसी दौरान हीलियम की मदद के लिए थार्क्स की सेना भी वहां पहुंच जाती है। कार्टर सप्तान से लड़ते हुए उसका एक हाथ काट देता है और उससे कहता है कि वो थर्न के बारे में जो कुछ भी जानता है बता दे। पर सप्तान के कुछ बताने से पहले ही थार्क का रूप धारण किए मताई शेंग अपनी शक्तियों से सप्तान को मार देता है और फिर डेजा का हमशक्ल बन डेजा की गर्दन पर तलवार रख देता है। वह उसे मारने वाला ही होता है कि तभी डेजा उसके गले से यंत्र को छीनकर कार्टर की ओर फेंकती है और कार्टर उस यंत्र को दूसरी ओर फेंक देता है। तब वो यंत्र टार्कस के हाथ लग जाता है, लेकिन उस यंत्र को हासिल करने के लिए थर्न टार्कस के पास पहुंच जाता है। पर इस बार थर्न कार्टर का रूप धारण किए होता है, जिसे टार्कस नहीं पहचान पाता। और जब थर्न टार्कस से वो यंत्र मांगता है तो टार्कस उसे वो यंत्र दे देता है। लेकिन जब टार्कस को पता चलता है कि वो कार्टर नहीं है, तब टार्कस और कार्टर दोनों थर्न पर हमला करते हैं, पर थर्न वहां से गायब हो जाता है और इसी के साथ हीलियम की जीत हो जाती है। इसके बाद कार्टर राजकुमारी डेजा के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। इस प्रस्ताव को डेजा हंसी खुशी स्वीकार कर लेती है और हीलियम की परंपराओं के अनुसार कार्टर और डेजा की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात कार्टर अकेले में जाकर अपने पास मौजूद यंत्र, जिससे वह इस ग्रह तक पहुंचा था, उसे देखता है और नीचे बहुत दूर फेंक देता है, ताकि वह हमेशा हमेशा के लिए मंगल ग्रह पर ही अपनी जिंदगी बिता सके। लेकिन उस यंत्र को फेंकने के बाद जब कार्टर अपने कक्ष की ओर जा रहा होता है, तब हीलियम के सैनिक का रूप धारण किए मताई शेंग फिर से वहां पर आ जाता है और कार्टर को अपने जाल में फंसाकर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उसे फिर से पृथ्वी पर पहुंचा देता है। अब हम देखते हैं कि कार्टर फिर से पृथ्वी पर उसी गुफा में आ चुका है जहां से वो मंगल ग्रह पर गया था। पर कार्टर को होश आता है तो वो कैप्टन पावेल को आवाज लगाता है, पर इस घटना को काफी लंबा अरसा हो चुका था, इसलिए कार्टर को वहां सिर्फ पावेल की हड्डियों का ढांचा ही नजर आता है। इसके बाद कार्टर रेंगता हुआ चट्टान पर बने चित्र पर हाथ रखकर वही शब्द फिर से दोहराने लगता है, ताकि वो फिर से मंगल ग्रह पर पहुंच जाए। पर बिना यंत्र के वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहता है। कार्टर इस बात को याद करके पछताने लगता है कि उसने उस यंत्र को फेंक कर बहुत बड़ी गलती कर दी। तब उसे याद आता है कि एक बार मताई शेंग ने कार्टर और पृथ्वी का जिक्र किया था। तब कार्टर को पूरा यकीन हो जाता है कि थर्न इस दुनिया में भी होते होंगे। इसके बाद कार्टर पूरे 10 सालों तक दुनिया में हर जगह उस यंत्र की तलाश करता रहता है, पर उसे वो यंत्र कहीं नहीं मिलता। लेकिन एक दिन उसे वो यंत्र मिल जाता है। इसके बाद कार्टर कई खुफिया प्लान बनाता है, ताकि वह इस यंत्र को थर्न से सुरक्षित रख सके, क्योंकि उसे पता था कि थर्न अब उसकी तलाश में होंगे। अगले दिन कार्टर थॉमसन को बुलाता है और उसे बताता है कि वह काफी बीमार है। तभी अगली सुबह कार्टर के मरने की खबर आती है, जिसके बाद उसकी बॉडी को एक मकबरे में रखा जाता है। वहीं हम देखते हैं कि कार्टर की यह सारी कहानी एडगर बरोस पढ़ चुका है। आखिर में एडगर यह भी पढ़ता है कि उस मकबरे की चाबी सिर्फ वही है और वो ही कार्टर के शरीर को थर्न से बचा सकता है। तब एडगर तुरंत उस मकबरे तक पहुंचता है और मकबरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजे को खोल नहीं पाता। वह कार्टर के लिखे पत्र को देखता है, जिसमें उसका नाम नेड लिखा था। तब उसे याद आता है कि कार्टर हमेशा उसे नेड के नाम से ही पुकारते थे। और जब एडगर दरवाजे पर लिखे लेटर्स में NED यानी नेड प्रेस करता है, तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही पीछे से थर्न एडगर पर हमला करने लगता है, कि तभी कार्टर पीछे से आकर थर्न को गोली मार देता है और उससे वो यंत्र हासिल कर लेता है। अब इसी के साथ यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। दरअसल एडगर के साथ ही अब हमें भी पता चलता है कि कार्टर कभी मरा ही नहीं था और न ही उसे कोई यंत्र मिला था, बल्कि उस यंत्र की खोज कार्टर के द्वारा गढ़ी एक कहानी थी और एडगर उस यंत्र तक पहुँचने का केवल एक जरिया था। तब उस यंत्र को पाने के बाद कार्टर मकबरे में चला जाता है और यंत्र को लेकर कुछ शब्द बोलता है और हमेशा के लिए फिर से बारसूम चला जाता है और इस कहानी की एंडिंग यहीं पर हो जाती है।